तो ये सामने तो नेक्स है, ये सामने पर भी रास्ता है इसका बड़ी पीछे से है। पीछे से है? आ, थोड़ा वो जहाँ पे मार्केट नहीं आई थी वहाँ पे रास्ता है इसका। विजन से इस बात का यहाँ से रास्ता होना चाहिए कि वहां से है। तो इंजन तो छोटे होते ना, गाड़ी बड़ी होती है। बाकी हमने कॉफी पी ली है, ये कॉफी हमें कम से कम एक एक कॉफी 4,000 की पड़ेगी जो बिल। तो ये गाड़ी देख रहा है, कहता है मेरे को पसंद आ गई ऐसी आज लगाया क्या, कुछ भी नहीं है देख इसमें, क्या है कुछ भी नहीं भाई। हाँ क्या है ये इतना सब। चल तो ये तो ऐसे गाड़ी ये हमारी, तो ये अगर ऊपर से नीचे गिर गई फिर व्हील कवर। आज हम जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस करवाने। तो वैसे तो नेक्सा का शोरूम जो है वो यहीं पे है मामून में, बट इनका जो सर्विस स्टेशन है वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो वो मेरे को कुछ समझ नहीं आया इतनी दूर क्यों है इन्होंने। हाँ फंगोली चौक से भी आ गया, फंगोली चौक से आ गया। तो जहाँ पेप्सी का नया प्लांट खुला ना इतनी दूर है। हाँ वहाँ पे है, तो अभी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो गाड़ी में कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट इसकी जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी आउट हो गई है, जिस वजह से इसका एक ड्राइवर साइड वाला जो टायर है वो ज़्यादा खा रहा है। तो रितिक अगर हम ऐसे चलते रहे ना हम जम्मू पहुंच जाएंगे। देख कितना दूर है यार इनका सर्विस स्टेशन। तो अभी देख रहा था जैसे पुराना जो मेरा बिल था वो था मेरा ऐसे 5,400 कुछ का, तो उसमें जो डिस्काउंट इन्होंने दिया था कुछ 500 रुपये का, तो 5,000 के नीचे बिल बना था। पर ये इसमें कुछ नहीं किया था उन्होंने, पर आज की सर्विस थोड़ी मेजर होगी तो मेरे को लगता है काफ़ी ऊपर चल जाएगा। तो देखते हैं अब क्या होता है, आने ही वाला वैसे अभी। तो ये सामने तो नेक्सा है, ये सामने पर भी रास्ता है इसका बड़ी पीछे से है। पीछे से है? हाँ थोड़ा वो जहाँ पे मार्केट नहीं थी वहाँ पे रास्ता है इसका। विजन से इस बात का यहाँ से रास्ता होना चाहिए कि वहाँ से तो ये बाकी जो है वो पेप्सी का प्लांट है सारा, यहीं से अंदर हो जाएंगे। तो ये हम पहुंच गए नेक्सा के शोरूम सर्विस स्टेशन। ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर है इसके पीछे का सर्विस है ना। सर्विस है मगर ला मगर पीछे पीछे है। तो इंजन तो छोटे होते ना, गाड़ी बड़ी होती है। बाकी हमने कॉफी पी ली है, ये कॉफी हमें कम से कम एक एक कॉफी 4,000 की पड़ेगी जो बिल आएगा। गाड़ी यहाँ लगी है फिलहाल, लोग एस्टिमेट ले रहे हैं कितना होगा। तो ये गाड़ी देख रहा है, कहता है मेरे को पसंद आ गई ऐसी आज लगाया क्या, कुछ भी नहीं है देख इसमें, क्या है कुछ भी नहीं भाई। हाँ क्या है ये इतना सा। चल जो भी है। तो गाड़ी हो रही है सर्विस यहाँ पे, तो एस्टिमेट इन्होंने मेरे को दिया कोई 8,000 का, तो 8,000 के आसपास लग जाएगा। बट उतना तो लग ही जाएगा क्योंकि मेजर सर्विस है, सारे ऑयल जितने भी ऑयल हैं सारे चेंज होंगे, सारे के सारे फिल्टर चेंज होंगे, स्पार्क प्लग चेंज होगा, तो इतना तो बनता ही होगा। चलो तो सर्विस तो हो रही है। तो ये तो जैसे गाड़ी ये हमारी, तो ये अगर ऊपर से नीचे गिर गई फिर टूटेंगे और कुछ नहीं होगा गाड़ी में, ये
सर्विस करा के हम आ गए हैं। तो ये उनका जो बिल है, ये बना बिल इनका 8100 समथिंग। तो कुछ डिस्काउंट मैंने किया क्लेम की, मेरे को डिस्काउंट दो, तो 695 का मेरे को डिस्काउंट, 20% लेबर पे हाँ डिस्काउंट दे दिया। बट आज तक मेरे को एक चीज नहीं समझ इनका, मेरे को आप बिल देखो, आप समझ नहीं आता टोटल कहाँ है क्या किया है, कुछ समझ नहीं आता। बट ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, जो बंदा हमारी गाड़ी में लगा हुआ था वो लड़का अच्छा कारीगर था, मतलब अच्छा काम किया उसने। बट जो वेटिंग हुई, हमें 4 घंटे वेट करना पड़ा इस चीज के लिए, तो 4 घंटे हमें पूरा हो गया। तो उस चीज में मारुति को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था, हमारी सुनी गई जो हमें प्रॉब्लम लगी थी, तो गाड़ी अभी पहले से ज्यादा स्मूथ हो गया। तो यही थी आज की वीडियो सर्विस के बारे में। नहीं वैसे इतना।